महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। हंगामे के समय स्पीकर को विपक्ष ने स्टॉप हॉर्स ट्रेडिंग के पैम्पलेट भी दिखाए। इस बीच कई सांसद सीट से खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। तो लोकसभा में जमकर हंगामा किया गया। महाराष्ट्र पर लोकसभा में हंगामा हुआ है और आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की और हॉर्स ट्रेडिंग के पैम्पलेट दिखाए, स्टॉप हॉर्स ट्रेडिंग के पैम्पलेट दिखाए गए। मैं नाम लेकर पुकार रहा हूं, एबीडन और प्रधान इस बाइक को नीचे कर दें। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं, इस पंपलेट को आप हटा दें। माननीय सदस्य एबी ईडन और प्रतापन अपने इसको नीचे कर दे। इससे पहले महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस नेता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से सरकार के गठन को गैर संवैधानिक बताया। तो गांधी प्रतिमा पर जुटे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सोनिया गांधी को आप देख सकते हैं, स्टॉप मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा यहां पर पोस्टर दिखाई दिया और लगातार नारेबाजी करते रहे। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ये नारे यहां पर गूंजे। तो सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से सरकार के गठन को गैर संवैधानिक बताया। तो एक तरफ से संसद परिसर में सरकार को घेरने की कोशिश की गई इन पोस्टर्स के जरिए और दूसरी तरफ संसद के अंदर भी सरकार को घेरा और कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सोनिया गांधी की अगुवाई में ये यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। स्टॉप हॉर्स ट्रेडिंग, ये आरोप लगाया गया। स्टॉप डर्टी पॉलिटिक्स, स्टॉप मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये तमाम पोस्टर लिखे हुए दिखाई दिए। और इस बीच राहुल गांधी ने भी प्रश्न पूछने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र की हत्या हुई है तो वो कुछ नहीं पूछना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला कल सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा। दो दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट में दलीलें चल रही हैं, बड़े बड़े वकील दोनों पक्षों की तरफ से जिरह कर रहे हैं और उसके बाद कोर्ट ने कल सुबह 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया है जब महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर का पटाक्षेप होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट कल ये तय करेगा कि क्या गवर्नर ने जितना समय दिया है फडणवीस सरकार को उसके अंदर ही उनको फ्लोर पर बहुमत साबित करना होगा या कोर्ट कोई समय सीमा निर्धारित करती है, जैसा कि मांग है विपक्ष के वकीलों का कि 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट किया जाए। क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, कपिल सिब्बल हों चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हों, उन लोगों ने कोर्ट को 150 से ज़्यादा विधायकों की सूची सौंपी है और उनकी तरफ से यह दलील दी गई थी कि बहुमत हमारे पक्ष में है, इसलिए तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाए। प्रोटेम स्पीकर यानी जो स्पीकर शपथ दिलाते हैं नए विधायकों को, उनको लेकर के भी तमाम दांव पेच हैं। लेकिन हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से सीधे जुड़ रहे हैं एहतेशाम खान, काफी करीब से नजर बनाए हुए थे सुबह से कोर्ट के अंदर। एहतेशाम, क्या